और सुबह की शुरुआत चाय के साथ हो रही है यहाँ पर। और दोस्तों ये ट्रेन धर्माबाद मनमाड मराठवाड़ा एक्सप्रेस है, इस सेक्शन की वन ऑफ दी पॉपुलर ट्रेन है ये दोस्तों। और दोस्तों इस ट्रेन का रेक शेयर होता है तपोवन एक्सप्रेस से, जो कि मुंबई से नांदेड़ के बीच चलती है। और कल दोस्तों शाम को तपोवन एक्सप्रेस ने जब नांदेड़ स्टेशन में अराइवल लिया था, पूरी ट्रेन पैक थी दोस्तों, और लिटरली पूरी ट्रेन नांदेड़ में जाके खाली हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है दोनों ट्रेन्स की इस रूट में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल भारत रेलोग्राफी में। दोस्तों आज है मेरी डीजल स्पेशल सीरीज़ का डे 3, और डे 3 की दोस्तों हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पूर्णा जंक्शन से। पूर्णा से दोस्तों आज हमारी यात्रा होने वाली है सिकंदराबाद तक के। और दोस्तों जिस ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं वो ट्रेन है मुंबई से लिंगमपली तक के चलने वाली देवगिरी एक्सप्रेस में। तो अभी दोस्तों देवगिरी एक्सप्रेस को आने में टाइम है, तब तक के हम लोग थोड़ा सा जो पूर्णा स्टेशन है उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर आपने लास्ट दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लास्ट दो वीडियोस ज़रूर चेकआउट करें, बहुत ही बढ़िया। अगर आप डीजल लोकोमोटिव्स आपको पसंद हैं तो बहुत ही अच्छी वीडियोस बनी हैं वो, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। और आज मतलब कि देवगिरी एक्सप्रेस है वो भी डीजल लोगों से हॉल की जाती है, तो आज भी जो हमको लोको मिलने वाला है वो डीजल लोकोमोटिव मिलने वाला है। और यहाँ पे जब से आए दोस्तों तो EMD की जो रहती है साउंड, इंजन का साउंड रहता है, वो पूरे स्टेशनों में गूंजता रहता है। एक समय में ऐसे ही माहौल रहता रहा जबलपुर स्टेशन का जहाँ मैं रहता हूँ। और अब मतलब कि यहाँ भी पोल्स लगभग लगी गए हैं, चाहे नांदेड़ की बात हो या फिर पूना की बात हो। देखिए मैं आपको दिखा भी दे, तो यहाँ भी दोस्तों पूना में भी पोल्स जो हैं वो लग गए हैं, लेकिन तार जो हैं अभी तक के खींचे नहीं हैं, और पोल्स भी अभी पूरे बराबर मतलब लगे नहीं हैं। फिर भी मैक्स मेरे ख्याल से 5 से 6 महीना अभी भी लगेगा इस पूरे सेक्शन को इलेक्ट्रिफाई होने में। और इसी ट्रेन से दोस्तों हम लोग नांदेड़ से पूर्णा तक आए थे शॉर्ट जर्नी करके। A few moments later. दोस्तों ये पूर्णा हैदराबाद एक्सप्रेस है, पर इसका रूट डिफरेंट है। ये परभणी जंक्शन, लतूर जंक्शन, विकाराबाद होते हुए जाती है, और इसमें एल्को लगे हैं। अब ऐसा लगता है इसी ट्रेन में टिकट करा लेना था। और फाइनली दोस्तों अब हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, देवगिरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइवल ले रही है।
भी है, पैक है। S1 शेंगदाना ची साबुदाना ची रिंग मसालेदार बॉक्स। तो दोस्तों साहिल भी हमारे साथ हैं जैसे कि कल थे, और साहिल से हम पूछेंगे कि साहिल क्या संतुष्ट हैं आज जो अपन को सीट मिली है। बिल्कुल अच्छी सीट मिली है, अच्छी सीट होनी चाहिए। चलो ठीक है, पूना जंक्शन से डिपार्चर ले लिया है और अभी टाइम हो रहा है 8:45 करीब हो रहा है। करीब आधा घंटे का डिले से हमारी ट्रेन डिपार्चर लिया पूना जंक्शन से। हाँ काफ़ी देर रोक दिया ट्रेन को, जबकि सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज रहा। बाकी पूर्णा को दोस्तों जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अकोला के लिए निकल जाती है, जैसे कि मैं अभी आपको अभी दिखाता हूँ। बाय बाय पूर्णा। ये लाइन जो आपको दिख रही है ये अकोला की तरफ जा रही है। नांदेड़ की ओर बढ़ते हुए वैसे दोस्तों मुझे LHB रेक का ट्रैक साउंड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये जो ट्रैक साउंड आ रहा है वो नेक्स्ट लेवल है। Thank you.
दोस्तों हम लोग नांदेड़ आ गए हैं, मतलब आउटर लग चुका है नांदेड़ का। नांदेड़ में काफी लोग उतरने वाले हैं। अराइव एट हजूर साहिब नांदेड़। चलिए दोस्तों नांदेड़ में आपको इस ट्रेन का लोको भी दिखाते हैं, क्योंकि पूर्णिया में मैं आपको लोको नहीं दिखा पाया था। बूटी शेड WDP4D40271। एक्चुअल में दोस्तों जो मेरा कोच है ना वो सेकंड लास्ट कोच है, और लोगों बिल्कुल आगे पड़ जाता है उस हिसाब से। और ये एक्चुअली में ट्रेन का जो डिपार्चर विजल हो चुका है और सिग्नल भी हो गया है। चलते हैं अपने कोच में जल्दी से। दोस्तों आपको पूर्णिया में कोच नहीं दिखा पाया था, तो ये है मेरा कोच आज का S1। अब देखेंगे बस, मतलब कि सेकेंड लास्ट या सेकेंड थर्ड नंबर है लास्ट वाले उससे डिब्बे से, थर्ड नंबर कोच है हमारा। काफी पीछे कोच है हम लोग का, स्लीप का टाइम बचे। अब चलते हैं अंदर। हाय की अकेले अंदर जाते हैं। मैंने ना चाहिए अलग ज़्यादा भीड़ नहीं है, बाकी पूरा में काफी भीड़। स्टाइल को मनचाही सीट मिल चुकी है। तो हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है नांदेड़ से हजूर साहिब नांदेड़ से।
साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस। Thank you.
Depart from Muthukhed Junction. और दोस्तों ये लाइन अदिलाबाद होते हुए मजरी की तरफ निकल जाती है, माजरी जंक्शन। इसकी जो अभी एक दिन पहले दोस्तों इसी सेक्शन से हम लोग होते हुए नांदेड़ आए थे, काफ़ी खूबसूरत सेक्शन है ये भी और इलेक्ट्रिफाई हो चुका है। अब देखिए कभी भी इसमें ही लोगों से ट्रेनों को चलाया जा सकता है, बाकी यहाँ तो ई लोको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नांदेड़ में भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। Yeah.
इस सेक्शन में TSS यहाँ दिया गया है, ट्रैक्शन सब स्टेशन, जिससे OAG को पावर मिलेगी। उमरी पानी वाडल पनीर बांध दिए भैया ने। दो मिनट का बस स्टॉपेज था दोस्तों यहाँ पे। फाइनली हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है यहाँ से। और दोस्तों यहाँ से जो दूध के व्यापारी हैं वो काफ़ी मात्रा में बोर्ड हुए हैं इस ट्रेन में। अब देखिए ये कहाँ पे अपना ये प्रोडक्ट बेचते हैं। यहाँ स्टॉपेज नहीं था लेकिन एंड शेड्यूल हॉल्ट हो गया हम लोग का। एक मिनट का आपला चक्कर जमती पण आपण करणार।
मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अराइव एट धर्माबाद। काही वर्षांसारखे लागले नाही निघाले नाही हां।
और दोस्तों इस सेक्शन में ई लोको से ट्रेन को चलाना चालू कर दिया गया है तिरुपति निजामाबाद। दो मिनट के होड़ के बाद डिपार्टिंग फ्रॉम बसर। यहाँ धान लगी है, धान की खेती हो रही है। और दोस्तों गोदावरी नदी पार होने के बाद से ही ये धान के खेत काफ़ी नज़र आ रहे हैं, तो एक किसान के लिए पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है इससे हमें समझ में आता है। और जनवरी के महीने में यहाँ पे धान के रोपे लगाए गए हैं। खास बात ये है टू इन एल्बोस और साथ में एक WDP-4 भी है। Thank you.
செகந்திராபாத் तालाब काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी बड़े बड़े तालाब हैं। Okay.
और दोस्तों अब हम लोग लगभग निज़ामाबाद पहुंच ही गए हैं। शहर आ चुका है, स्टेशन भी काफ़ी करीब आ चुका है। लोकोस दिखना चालू हो चुके हैं दोस्तों, इधर का सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। बाकी नांदेड़ साइड अभी काम चल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का, और इसी के साथ हम लोग निज़ामाबाद जो स्टेशन है उसमें अराइवल ले जाएंगे। स्टेशन भी बड़ा लग रहा है इसका। अराइव एट निज़ामाबाद जंक्शन। बहुत सी रिक्शे रही है, सेंट्रल रेलवे का रूट है।